हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार उम्मीदवार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कोसली की अगर बात करें तो कोसली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिल यादव का भी चुनाव प्रचार जारी है। अनिल यादव ने अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने फूलमाला पहना करके अनिल यादव का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर के अनिल यादव ने कहा कि संकल्प पत्र में जो भी घोषणाएं की गई हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। अनिल यादव ने कहा कि विपक्षी इतना घबरा चुके हैं कि उन्होंने मेरे ही नाम के एक और व्यक्ति को चुनाव में खड़ा कर दिया है ताकि लोग भ्रमित हो जाएं। आज 12 गांव के दौरे करने हैं जी, और बहुत ही जनसमर्थन अच्छा मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है बुजुर्गों का, माताओं का, नौजवान साथियों का, और हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं लेकिन फिर भी हमें सब इंतजार कर रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। दूसरी पार्टी ने कोई प्रत्याशी उठाया आपके नाम जी? मेरे ही नाम राशि अनिल यादव का उठाया है ताकि लोगों को भ्रमित कर सके, ताकि लोग गलत वोट डाल सके, ताकि हमें नुकसान हो चुके इलेक्शनों में, इसलिए उन्होंने ऐसा करा है। मैंने सभी से एक अपील की है, जिस तरह इन लोगों ने मेरे ऊपर आशीर्वाद और सहयोग किया है ऐसे ही अनिल भाई का सहयोग करें और राव इंद्रजीत सिंह के हाथ मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मैं मेरे गांव से बता सकता हूं, नौकरियों की चाहे कामों की, मेरे गांव में 3 रास्ते ऐसे निकले जो कभी भी निकल पाए थे, कच्चे थे, जहां आने जाने में किसानों को बड़ी भारी दिक्कत होती थी। गाँव वासियों से अपील करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा वोटों से भाई अनिल को विजयी बनाएं।